हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहर वृक्ष महात्म्य पद्यर अभ्यास कार्य आलोचना करवा। तेब देखि नवा एक नंबर प्रश्न आस कथबार्ता होगा। क नंबर देखा ओडिया भागवतर रचयिता किए? उत्तर हम ओडिया भागवतर रचयिता अतिबड़ी जगन्नाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि जगन्नाथ दास क्यों शताब्दी रे जन्मग्रहण करिथिले? उत्तर हम कवि जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी शेषार्ध और षोडश शताब्दी प्रथमार्ध अर्थात पंचदश और षोडश शताब्दी रे जन्मग्रहण करिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिया भागवतर क्यों स्कंधरु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जाइछि? उत्तर ओडिया भागवतर दशम स्कंधरु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जाइछि। घ नंबर क्यों मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहते? उत्तर गोप बालक मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन जमुना विषय कौन कह उत्तर हम जमुना कूल गोप बालक मानक सहित श्रीकृष्ण पहुँची ओ जमुनार सुशीतल जलपान करी वृक्ष तले विश्राम नहीं कथा जमुना विषय में कहुई। दुई नंबर देखा आस दुई बा तीनोटी वाक्यर तल प्रश्नर उत्तर लिखा। क नंबर श्रीकृष्ण नाम दामोदर हो रहा कारण कौन? उत्तर हम दाम शब्दर अर्थ दौड़ी। पिलादिने अमानिया श्रीकृष्ण को तांको माता जशोदा दौड़ी बांधि थिबार दाग तांको शरीर में रही जाइतिला। एही कारणरु श्रीकृष्ण अन्य नाम हेउछि दामोदर। ख नंबर गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले काहेकिना प्रचंड ग्रीष्मताप हेतु गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले। ख नंबर वृक्ष को सुजनों सहित तुलना करा जिवार कारण कौन? उत्तर सुजन माने परर उपकार करिथांती। ठीक से ही भली वृक्ष परोपकारी अटे। यहाँ वृक्ष को सुजनों सहित तुलना करा जिवार कारण। घ नंबर जीविका होंती प्राणींकर यही धाड़ी वृक्षर उपकारिता संपर्क तुम्हें कौन जानवा पाऊछ? उत्तर हम जीविका होंती प्राणींकर यही धाड़ी वृक्षर उपकारिता संपर्क जानवा पाऊछ। व नंबर क्यों स्थान को गले अतिथि को निराश होगा पड़े ना? उत्तर सुजन बा उत्तम लोक मान घर को गले अतिथि को निराश होगा पड़े ना। तीन नंबर आस शहे रु शहे कोड़े टी शब्द मध्य तल प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखा। शहे रु शहे कोड़े टी शब्द मध्य तले जो प्रश्न दि जाए उत्तर लिखा। क नंबर वृक्ष मान जीवन धन्य कवि एपरी कहीं कहीं कवि अतिबड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवतर स्रष्टा भावे विशेष परिचित। भागवतर विभिन्न प्रसंग वर्णना करी से मानव समाज को शिक्षा प्रदान करी। वृक्ष महात्म्य कविताटी भागवतर अंशविशेष यह गोपलीलार त्रयोविंश अध्याय गृहीत। यही कवित कवि वृक्ष मानकर महात्म्य वर्णना करी से मानक जीवन किभली धन्य ताहा आलोचना करी। एकदा कृष्ण गोप बालक मानक सहित बनरे गोरु चराउथिबा बेले ग्रीष्मतापरु रक्षा पाइबा पई गोटिए वृक्षर सुशीतल छायारे बसिछंती। से गोप बालक मानंकु वृक्षर महात्म्य बुझाई कहिछंती। वृक्ष मानक परोपकारितार सूचना देई कवि श्रीकृष्ण मुखरे से मानक जीवन धन्य बोली कहिछंती। वृक्ष सुजन मानंकु स्वभाव निज को अन्य मानक सुख विधान पई समर्पित करी थाए। से शीत वर्षा ग्रीष्मर ताप निजे सह्य करी अन्य मानक सुख वितरण करे। प्राणी मानक जीवन धारणर सहायक होइथिबारु वृक्षर जीवन धन्य कारण परोपकार साधन कवि विचार रे एक पुण्यकर्म। ए संसार रे जेउ प्राणी मन वचन और धन रे परर उपकार करे से ही धन्य। तार इह काल और परकाल उभय धन्य हुए कवि वर्णन रे मन वचन धन करी जे हुए पर उपकारी।
दिन हरती दुख सुखे से धन्य यह परलोके। वृक्ष सर्वदा परोपकार करे, ता निकटरे कहारी प्रति कार्पण्य न थाए। से पत्र फूल फल छाई मूल बकल काठ क्षार अंगार भस्म अठा गृहोपयोगी कंटा इत्यादि दे परोपकार करी थाए, तेणु तार एही त्याग पाई से धन्य। ख नंबर देखिबा, अविचारित भावरे वृक्ष छेदन फलरे समाजरे कि प्रकार क्षति घटुचि, एथिर उत्तर हबो, ओडिया साहित्यरे कवि जगन्नाथ दास जणे भक्त कवि रूपे परिचित, तांको रचित भागवत ओडिया जातिर अमूल्य संपद। एही ग्रंथरे से ओडिया जनजीवन को नीति शिक्षा प्रदान करिबा निमित्त अनेक अमूल्य कथा और महात्म्यर वर्णना करिछन्ति। कवि रचित भागवत दशम स्कंध अंतर्गत एक प्रसंगटी वृक्ष महात्म्य कवितार प्राणकेन्द्र। उक्त कवितार वृक्षर महात्म्य वर्णना करी ए जाति को महान शिक्षा देइछन्ति। अविचारित भावरे वृक्ष छेदन फलरे समयरे कि प्रकार क्षति घटुचि ताहाकु निम्नोक्त रूपे वर्णना करा जाई पारे। एक सुस्थ परिवेश समयर अशेष उपकार साधन हुए। सुस्थ परिवेश गठन निमित्त सबुज बनानीर आवश्यकता अनस्वीकार्य। प्राणी और उद्भिद परस्पर निर्भरशील होइथिबारु वृक्षलता बिना प्राणी जगत तिष्ठि रहिबा असंभव, तेणु आमे माने वृक्ष संरक्षण दिगरे जत्नवान हेबा उचित। वर्तमान अविचारित भावरे वृक्ष छेदन करा जाउथिबारु एहा द्वारा समयर विभिन्न क्षति हेउचि। वृक्षलता आमर बंधु, एहा आमको खाद्य जालेणी आसबावपत्र गृहोपकरण आदि जोगाइ थाए। वर्तमान वृक्ष छेदन हेतु आमे माने ए सबु संपद पाइबारु वंचित हेउचु, एहा परिवेश उपरे कुप्रभाव पकाउचि। वृक्ष माने परिवेशर सुरक्षा सहित मृत्तिका संरक्षण जलवायु नियंत्रण रे साहाज्य करंती। अविचारित भावे वृक्ष छेदन हेतु ए क्षेत्र रे समय जीवन प्रभावित हेउचि, मृत्तिका क्षय हेउचि, फसल पई जमी अनुपयोगी हेउचि, वृष्टिपात रे अनियमितता देखा देउचि। वृक्ष माने आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे वायुरु अंगारकाम्ल बाष्प ग्रहण करी अम्लजान छाड़ती, एहा मनुष्य और पशुपक्षी माने ग्रहण करती, प्राणी समय बंची रहे। वृक्ष छेदन हेतु वायुमंडल दूषित हेउचि। वास्तविक अविचारित भावरे वृक्ष छेदन फलरे समयर अशेष क्षति साधित हेउचि। ए क्षेत्र रे आमको सचेतन हेबाकु पड़िबो, एभली कार्यरु लोकमानंकु निवृत्त कराइबाकु हेबो, समस्तंकु सहयोगर हात बढ़ाइबा पई पड़िबो। ग नंबर देखिबा, वृक्ष माने परर उपकार किपरि करंती, एतर उत्तर हबो, ओडिया साहित्य जगतरे कवि जगन्नाथ दासंक रचित भागवत एक लोकशिक्षामूलक सृष्टि। मानव समयकु नानाविध उच्च भावमूलक शिक्षादान करिबारे कवि विभिन्न प्रसंग वर्णना करी भागवतकु विशेष लोकप्रिय करिछंती। वृक्षर महात्म्य कविताटी भागवतर अंशविशेष होइथिबारु एथिरे कवि वृक्षमाने किपरि भावरे परर उपकार करंती से विषयरे अनेक कथा आलोचना करिछंती। एकदा कृष्ण गोपबालक मानंक मेलरे गोरु चराउथिबा बेले ग्रीष्म बाधा हेतु वृक्षर सुशीतल छायारे बसिछंती। एही अवसर रे से वृक्षर उपकारिता विषय रे सेमानंकु कहिछंती। वृक्ष माने शीत वर्षा और ग्रीष्म तापकु सह्य करी अन्य मानकु सुखदान करंती। सेमाने पत्र फूल फल छाई मूल बकल काठ क्षार अंगार भस्म अठा और गृह निमित्त बाड़ उपयोगी कंटा दान करंती। कविंक वर्णना रे एते प्रकारे सेवा करी नित्य पर उपकारी। वृक्ष मानंकर उपकारर एभली महत्वकु कवि सुजन मानंक महद्गुण बोली कहिछंती। सुजन मानंक गृह को गले अतिथि माने जेभली निराश हुंती नाही, ठीक सेही भली वृक्ष माने परोपकारी होइथिबारु कहारिकु केबे निराश करंती नाही। आस कवितार पद पूरण करिबा। क नंबर देछि, क्षार अंगार भस्म अठा कण हेजबा,
गृहकु साजी बाड़ कंटा। ख नंबर अच्छी धन्य जीवन एहांकर एथर लिखिदबा जीवन हंती प्राणीकर। ग नंबर पत्र कुसुम फल छाई एथर लिखिबा मूल बकल दारू दे। तापर चारि नंबर देखिबा एही कवितारु भल लागुथिबा पदगुड़िक निर्वाचन करि आवृत्ति करिबा। पिला माने एही कवितारे तुमको जो जो पद भल लागुछि ताकु आवृत्ति करिबो। पांच नंबर आस सरल भाषा रे बुझाई लिखिबा बा यार आम सरलार्थ लिखिबा। क नंबर एहांक प्राय जेबे होई संसार मध्ये देह बही। यार आम सरलार्थ लिखिबा एहांक डॉट 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 बही संसित उद्धृतांशटी अति बड़ी जगन्नाथ दासंक रचित वृक्ष महात्म्य शीर्षक कवितारु गृहीत। उक्त प्रसंगरे कवि वृक्षर परोपकारिता विषयरे सूचना देइछन्ति। श्रीकृष्ण गोरु चराउथिबा बेले वृक्ष छायारे बसिछन्ति। से सेमानंकु वृक्षर महात्म्य विषयरे विभिन्न कथा बुझाई कहिछन्ति। सुजनमानंक परोपकारिता भली वृक्षर महद गुण रहिछि बोली गोप बालक मानंकु कृष्ण जणाइछन्ति। सुजन मानंक गृहकु गले अतिथि जेभली निराश हुवंती नाही ठीक से ही भली वृक्ष मानंक निकटकु गले केही केबे निराश हुवंती नाही। परोपकारी वृक्ष पत्र फूल फल छाई मूल बकल काठ क्षार अंगार भस्म ओ अठा आदि प्रदान करी निजर सेवा परायणतार परिचय देथाय। प्राणी माने संसार मध्यरे देह धरी एही भली सेवा परायण हेबा उचित बोली कृष्ण गोपबालक माननकु कहिछन्ति। प्रसंगटी शिक्षामूलक। ख नंबर देखिबा मन वचन धने करी जे होए पर उपकारी दिन हरंती दुख सुखे से धन्य इह परलोके। यार मध्य आम सरलार्थ लिखिबा मन डट 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 परलोके संसित उद्धृतांशटी वृक्ष महात्म्य शीर्षक पद्यरु गृहीत। उक्त प्रसंगरे कवि जगन्नाथ दास परोपकारी जीवन किभलि धन्य हुए ताहा वर्णना करिछन्ति। गोपाल बालक मानंक मेलरे श्रीकृष्ण गोरु चराउथिबा बेले वृक्षर सुशीतल छायारे बसिछन्ति। वृक्षर परोपकारिता गुण संपर्करे सेमानंकु बुझाइबाकु जाइ कृष्ण कहिछन्ति जे संसार रे परोपकारी ही धन्य। जो प्राणी माने मन वचन और धनरे परोपकारी हुवंती सेमाने दुख सुखरे काल काटिबा सहित इह जन्म और परजन्म रे धन्य हुवंती। प्रसंगटी महान शिक्षामूलक। तापर छ नंबर देखिबा तल लिखित नाम मानंक मध्यरु जेउडीक श्रीकृष्णंक सखांक नाम नुहे ताहाकु बाछि लिखिबा। तेबे एथि मध्यरु श्रीकृष्णंक सखांक नाम जेउटा नुहे ताकु बाछि लिखिबा। श्रीराम श्रीकृष्णंक सखांक नाम अटे अर्जुन भी अटे सुबल अटे विशाल मध्य अटे देवप्रस्थ मध्य अटे। तेबे प्रांशु श्रीकृष्णंक सखांक नाम नुहे। सात नंबर देखिबा तले दिया जाइथिबा शब्दर अर्थ डाहाण पटरे थिबा बंधनी मध्यरु बाछि लिखिबा। क नंबर घर्म माने कौन हम घर्म माने हेउछि झाल। ख नंबर दारू दारू माने हेउछि काठ। ग नंबर देखिबा दियंती दियंती रो अर्थ हेइजिव दियंती। आस नूतन शब्द लिखिबा। आठ नंबर महत् शब्द रे तुव प्रत्यय जोग कले शब्दटी हुए महत्व। सेहिपरि निम्नलिखित शब्द मानंकर तुआ प्रत्यय जोग करी नुआ शब्द गुड़िकु लेखिबा। गुरुर गण हब गुरु युक्तत्व समान गुरुत्व। विशेषर हब विशेष युक्तत्व विशेषत्व। त्र हब सत् युक्तत्व समान सत्व। क्षुद्रर हब क्षुद्र युक्तत्व समान क्षुद्रत्व। दूरर हब दूर युक्तत्व समान दूरत्व। स्वर हब स्वयुक्तत्व समान स्वत्व। नौ नंबर देखिबा बंधनी मध्यरु ठीक शब्द बाछि पद पूरण करिबा।
बंधनी मध्यरे केते गुड़िए शब्द दिया जाइछि एथि मध्यरु ठीक शब्दटि बाछि पद पूरण करिबा। क नंबर देखिबा मन वचन डैश करी जे होए डैश उपकारी। क नंबर रहिजिबा मन वचन धना करी जे होए पर उपकारी। ख नंबर शीत परसा डैश दुख सही डैश दियंती सुख। एथर ख नंबर रहिजिबा शीत परसा घर्म दुख सही आंभंकु दियंती सुख। एटा हबो दस नंबर देखिबा रेखांकित शब्द गुड़िकर अर्थ पाख कोठरी रे लेखिबा। क नंबर निदाघ रवि तेज लागी झुरुचि मुही पुत्र लागी। एई प्रथम लागीर अर्थ हेउछि संस्पर्शरे आसीबा बा देहरे लागीबा एवं ए द्वितीय लागीर अर्थ हेउछि पाई बा निमित्त। ख नंबर मिलिले जमु नार लागे संचित धन कर्मे लागे। प्रथम लागेर अर्थ हेइजिब कुळरे बा निकटरे एवं ए द्वितीय लागेर अर्थ हेइजिब कामरे लागे बा प्रयोजन हुए। पर 11 नंबर देखिबा प्रतिशब्द लेखिबा रविर प्रतिशब्द कौन हम तपन एवं भानु। पर वृक्षर प्रतिशब्द कौन हम वृक्षार प्रतिशब्द हम तरु एवं बटपी। पुष्पर प्रतिशब्द होइजिब सुमन एवं कुसुम। पल्लवर प्रतिशब्द हम पत्र एवं दल। थैंक यू।